यूपी राजधानी लखनऊ अर्धरात्रि भारी अग्नि प्रमादं जरिगिंदी। केशवनगर समीपंलो स्क्राप मार्केट मंटलु चेलरेगायि। मंटलु रोड्डुकु समीपंलोनि दुकानालकु व्यापिंचडंतो स्थानिकुलु भयांदोलनकु गुरय्यारु। समाचारं तेलुसुकुन्न अग्निमापक सिब्बंदी फैर् इंजिन्लतो मंटलु आर్పే అందుకు తీవ్రంగా శ్రమించారు। ప్రమాదంలో పెద్ద ఎత్తున ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు స్థానికులు తెలిపారు। షార్ట్ సర్క్యూట్ వల్లే ప్రమాదం జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు। मार्केट बोला जाता है, ये मड़ियाओं क्षेत्र है। ये इसमें लगभग अंदाजा मेरा जो आइडिया अभी पूर्ण रूप से बता नहीं जा सकता, आइडिया है 25-30 दुकान है जो कबाड़ की दुकान है और पुराने फर्नीचर वगैरह ये रखते हैं ला करके यहाँ और बेचने का काम करते हैं, जिसमें आग लगी थी। सूचना पर हमारी गाड़ियाँ तत्काल यहाँ पहुँचना शुरू हो गई, पहुँच करके आग को जो है बढ़ने से रोका गया और इस समय वर्तमान में आग पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। कोई अब जनहान की यहाँ संभावना नहीं है, न आग बढ़ सकती है। आग लगभग 11:30-12 के बीच में मिली है और 10 मिनट के अंदर ही हमारी गाड़ियाँ पहुँचना शुरू हो गई। वर्तमान में 5 गाड़ियाँ यहाँ हैं मौके पे जो आग बुझाने में लगी हुई है और 25-30 लगभग मेरे कर्मचारी है जो सभी लगे हुए हैं आग को बुझाने में। तो इस समय आग जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। आग की सूचना ऑलरेडी उनको पहले मिल चुकी थी, उन लोग सब आ चुके थे। कुछ लोग सामान अपना थोड़ा बहुत जो बचा सके हैं उन लोग बचा लिए हैं और बाकी तो जल गई है। अब बाद में पूरा जो नुकसान क्या हुआ है इसका आकलन तो आग बुझाने के बाद ही पता है। जान माल का कोई नुकसान नहीं है, हाँ ये है कि जो उनके सामान है सामान का नुकसान है। हाँ अगर आग ये कंट्रोल नहीं की जाती तो आग बड़ी हो सकती थी, लेकिन हमारी गाड़ियां पहुंच करके हम लोग मौके पर इसको जो है कंट्रोल कर लिए हैं। अब कोई ऐसी संभावना नहीं।